हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले चौथे जांबाज यदुनाथ सिंह की वीरता की कहानी। यदुनाथ सिंह ने भी कश्मीर में पाकिस्तान के साथ 1947 में लड़ी गई लड़ाई में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन्हें परमवीर चक्र सम्मान 1950 में मरणोपरांत दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 21 नवंबर 1941 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे ब्रिटिश भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। उस वक्त यदुनाथ सिंह बस 26 साल के थे। यदुनाथ सिंह का जन्म और पढ़ाई। यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में हुआ था। यदुनाथ सिंह की गिनती अपने क्षेत्र के नामी पहलवानों के रूप में होती थी। 1948 में 6 फरवरी की तारीख, देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान ने गद्दारी की और जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। यदुनाथ सिंह ने 1947 के इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बाद सेना वहां भेज दी गई। इसी दौरान भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट को नौशेरा को सुरक्षित रखने के लिए तैनात किया गया था। इसके लिए वहां पर झांझर में बेस बनाया गया था। खराब मौसम का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने 24 दिसंबर 1947 को झांगर पर कब्जा कर लिया था। नौशेरा से कब्जा वापस पाने के लिए भारतीय सेना ने नौशेरा के उत्तर पश्चिम में कई अभियान चलाए और पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने को रोक दिया। नौशेरा के उत्तर में स्थित टेंडर एक ऐसा स्थान था जिसके लिए यदुनाथ सिंह को बटालियन को जिम्मेदारी सौंपी गई। 6 फरवरी 1948 की सुबह 6:40 पर पाकिस्तानी सेना ने यहां पर भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के 3 प्रयास विफल कर दिए। तीसरे हमले की समाप्ति तक चौकी पर तैनात 27 लोगों में से 24 लोग या तो मारे जा चुके थे या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके विपरीत यहां पर बार बार हमला कर रहे पाकिस्तानी दल के करीब 500 लोग शामिल थे, लेकिन यदुनाथ सिंह ने साहस नहीं छोड़ा। वे खुद घायल हो चुके थे लेकिन अपने जवानों को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार करते रहे। इस वक्त ऐसी स्थिति आई कि यदुनाथ सिंह के पास कोई भी सिपाही लड़ने के लिए नहीं बचा था। सभी या तो घायल थे या वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे में नायक यदुनाथ सिंह ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। वे अपने बंकर से बाहर आ गए और पाकिस्तानी सैनिकों पर सीधे गोलियों की बौछार कर दी थी। इसी बीच यदुनाथ सिंह को गोली लग गई। यह जाबाज सिपाही वही रणभूमि में गिरे और हमेशा के लिए सो गए। वे पहले ही सारी सूचनाएं अपने हेडक्वार्टर भी भेज चुके थे। इसी बीच वहां पर मदद पहुंच गई थी और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। भारत सरकार ने 1950 में यदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, यह थी एक और परमवीर चक्र विजेता जाबाज यदुनाथ सिंह की कहानी। आप बने रहें YRY 18 के साथ।